चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं। प्रिंस थे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 172 है, जो कि हाजीपुर बिहार से हैं। तो प्रिंस ऑल इंडिया रैंक 172 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक तो प्रिंस, क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार में अक्सर बच्चों का सेशन लेट हो जाता है, और इस सेशन लेट होने की वजह से फ्रेशर या ड्रॉपर दोनों में ही काउंट नहीं होते। बट एनीवे, आप ये बताओ मुझे, आप कितनी अच्छी रैंक आई है 172? आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है, और आप निमसेट से किस वो इम्पिटस से किस तरह से जुड़े, और आपने अपनी पूरी इंटायर जर्नी या अपनी पढ़ाई कैसे की? सर। 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेल्फ स्टडी से, और मैंने एक साल में भाई यूट्यूब वगैरह से लेक्चर्स देके कंप्लीट किया था अपना कोर्स। उसके बाद मुझे पता था कि मैं 2023 में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा सेशन लेट था। तो फिर आपका वीडियोस देखा था यूट्यूब पे, आप बहुत अच्छा, मतलब वो कुछ क्वेश्चन होते थे प्रीवियस ईयर्स के, तो वो सारे मैंने आपसे सॉल्व किए थे। यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, तो फिर वहाँ से मैंने देखा। फिर बहुत सीनियर्स ने भी बताया, इम्पीटस के सीनियर्स ने भी बताया कि टेस्ट सीरीज जरूरी होता है, उससे रैंक बूस्ट होती है। तो फिर मैंने शुरू में जून में ही शायद ले लिया था मैंने, मतलब जिस दिन रिजल्ट था उसके एक हफ्ता बाद मैंने ले लिया था। उसके बाद उस टाइम पे सीन था कि संडे संडे को टेस्ट होता था टॉपिक वाइज, एंड फुल लेंथ टेस्ट वहीं से अपने स्टार्ट कर दिया था। पहला टेस्ट शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। तो वहां से फिर आपके टेस्ट एनालिसिस, आप कभी कभी डांटते भी थे कि ऐसे करो वैसे करो, जिनकी एक्यूरेसी नहीं होती थी शुरू शुरू में, एक्यूरेसी नहीं बनती थी। फिर आपके टिप्स ने बहुत काम किया कि क्वेश्चन को लीव भी करना होता है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको बनाना ही है। और उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला। अक्टूबर आते आते बहुत अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट में लगभग लगभग 6 रैंक आ जाते थे वहाँ पे, अंडर 200 वगैरह। तो वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और आपके टेस्ट एनालिसिस हमेशा दिखता था जो जो गलत हुए हैं आप कराते थे, फिर आपके वो भी कराते थे कि जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसको छोटे तरीके से करना कैसा होता है, जैसे कि वैल्यू पुट करके चेक कर लिया कि ये है या नहीं, तो वो सब बहुत हेल्प मिला। शिवम सर का आखिरी में जो कंप्यूटर उन्होंने सेशन लिया था, उनसे तो पूरा क्वेश्चन ही आया था, जो उन्होंने बोला वही आ गया था। तो बिल्कुल सही बात है। और प्रिंस, एक और चीज है कि हाँ, इम्पीटस के कोई भी कोर्स में इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट होता है कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और बिल्कुल क्लासेस भी आपको काफी सारी मिली, तो आपने उसका डेफिनेटली बेनिफिट लिया होगा। तो शिवम, जब आप पढ़ाई और प्रिंस आप जब पढ़ाई करते थे, तो ये बताओ इंटायर पढ़ाई में, क्योंकि बिहार में एक तरह से आप आधे आधे रह जाते हो, मतलब आपका कंप्लीट भी हुआ और इनकम्प्लीट भी हुआ, मतलब आप 23 से 24 में आके लटक गए। तो ये बताओ कि आप जब पढ़ाई करते थे घर पे, तो किसी तरह का कोई स्ट्रेस कभी फील करते थे कभी सिलेक्शन को लेके? उस टाइम पे हुआ था कि पहली बात तो वो सेशन वाला ही पहला स्ट्रेस तो वही होता है कि सेशन कंप्लीट होगा। और सिलेक्शन के टाइम पे थोड़ा दिसंबर में ये हुआ था, स्ट्रेस हुआ था, मॉक में उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। बट फिर जनवरी में ऐसा हो गया था कि शायद वो आपने पहले ही निमसेट के ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर आने से पहले ही आपने वो सेक्शन टाइम वाला लगा दिया था कि 1 घंटा आपको मैथ्स करनी ही लेना है 1 घंटे में। वो उधर तो 70 मिनट था, आपने 60 मिनट ही कर दिया था। तो वहां पे शुरू शुरू में नंबर नहीं आते थे, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ऐसा क्यों कर दिया सर ने वगैरह। बट वो बाद में पता चला कि क्यों किया। वहां से फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट के धीरे धीरे बढ़ने लगे, और फिर लास्ट में वो काफी कॉन्फिडेंस था। वो जो सूर्य के लास्ट फाइनल पेपर जो आपने कराए थे 4, और जो लास्ट में जब आपने मार्क्स ही नहीं बोले थे कि मार्क्स हम ये रैंकिंग नहीं दिखाएंगे, तो वो उस टाइम तक कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप गए, तो पेपर देखने के बाद पेपर को किस ढंग से हैंडल किया? अगर कोई स्ट्रेस आया तो उसे कैसे हैंडल किया? क्योंकि कई बच्चे पेपर का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सोचा इस बार जो भी सेशन लूंगा हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं गया था, पटना में था, तो मैं पटना में गया था तो काफी बच्चे आए हुए थे। उसके बाद जब पेपर मिली तो काफी क्वेश्चन तो था कि मॉक टेस्ट से ही एकदम डायरेक्ट उठाया हुआ था, थोड़े बहुत वैल्यू चेंज थे, जैसे सेम साइड वाला मॉक टेस्ट में कितने बार आया था। उसके बाद ये बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट से ही थे, और कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं थे जो आपने बोला था कि ये कोई भी लंबा दिखे उसको डायरेक्ट छोड़ देना है, तो वो मैंने छोड़ा। और फिर मैंने, मतलब ऐसा हुआ था कि आप ना 50 क्वेश्चन तक आप एक बार देख लो, उसके बाद फर्स्ट राउंड देखो, उसके बाद सेकेंड राउंड में कौन बनता है। तो उस टाइम तक फर्स्ट राउंड में जब गया था तो अराउंड 22 अटेम्प्ट हुए थे, तो थोड़ा वो था, और फिर भी लेकिन टाइम बचा हुआ था 30 मिनट्स। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट होते होते 33 क्वेश्चन हो गए, तो फिर स्ट्रेस खत्म हो गया, लगा कि अब तो NIT साथ मिल जाना चाहिए जो भी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो
ये बताओ प्रिंस कि आपको आपके जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपकी इंटायर जर्नी बड़ी अच्छी रही, आपको कहीं स्ट्रेस रहा नहीं, पेपर में भी आपने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया, तो आपकी मैसेज क्या होगी जूनियर्स को? जूनियर्स को कि देखिए मैथ्स वही है कि हर एक बच्चे की अपनी कहानी होती है, और अगर वो मतलब लेना चाहते हैं तो सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते ही हैं, क्लासेस बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन हर बच्चे को एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लेना लेना चाहिए। अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत बूस्टअप करती है। हो सकता है कि आप उसे हर क्वेश्चन बनता हो, हर क्वेश्चन बनता हो, लेकिन आप वो निमसेट ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपने 70 में 70 में 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे। आपको क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए, उसके बाद सर के सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो लेकिन टाइम लग जा रहा हो, तो सर आपको बताएंगे, गाइड करते हैं सर अच्छे से कितने समय में क्वेश्चन करना चाहिए, क्या क्या अप्रोच हो सकती है, 2 3 अप्रोच हो सकती है, तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी आपने रैंक अचीव की, अब ऐसे ही एनआईटी में भी परफॉर्म करो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट इन एंटायर लाइफ। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक थैंक यू यू। बेटा।